क्यों बॉलीवुड की इस अभिनेत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को बड़े दिल वाला कहा और साथ ही क्यों अपने ही देश भारत के सिस्टम पर तंज कसा। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के बारे में जो अक्सर देश विरोधी ट्वीट कर सुर्खियों में बनी रहती है। जी हाँ, वो अभिनेत्री और कोई नहीं, स्वरा भास्कर है। पिछले दिनों उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़े दिल वाला पड़ोसी देश लिखा और धन्यवाद किया। मामला क्या है मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। इस महामारी के समय देश की हालत किसी से छुपी नहीं, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जान जा रही है, लोग अपने करीबियों को खो रहे हैं। किसी मासूम ने अपने पिता को खोया तो किसी पिता ने अपने घर के चिराग को खो दिया। हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ से ऐसे मार्मिक तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जिन्हें देखकर दिल मुंह को आ जाता है। शमशान में जलती चिताएं और अपने लोगों को खो देने के गम में रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। इसी बीच पाकिस्तान के यूजर्स भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं ताकि इस भयावह स्थिति को संभाला जा सके। इसके अलावा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भारत के लिए अपनी संवेदना प्रकट की थी। इस क्रम में स्वरा भास्कर का रोल तब आता है जब वो ट्वीट करके पड़ोसी देश पाकिस्तान को धन्यवाद कहती। वो लिखती है कि देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया और सिविल बॉडी भारत के मदद में खड़ी हुई है और उन्होंने ये दया भाव दिखाई है, और वो भी इस बुरे वक्त में। वो आगे लिखती है, ये जानते हुए कि हर बार भारतीय मीडिया और भारत के लोग पाकिस्तान को इस तरह का व्यवहार रेसिप्रोकेट नहीं करता, पर फिर भी पाकिस्तान ने इस पेंडेमिक के समय भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। आखिर में ट्वीट में उन्होंने थैंक यू कहते हुए पाकिस्तान को अपना बड़ा दिल दिखाने के लिए धन्यवाद पड़ोसी लिखा है। इससे पहले भी स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, लाशों की गंध, शमशान से उठती हुई आग की लपटें और परिजनों की मौत पर बिलखते लोगों की चीखें, कोई पीआर स्ट्रेटेजी नहीं छिपा सकती, ये आजीवन आपका पीछा करेंगी, आसमान देखेगा, इतिहास गवाही देगा। यह लिखते हुए स्वरा ने भारतीय गवर्नमेंट पर तंज कसते हुए भारतीय सिस्टम की धज्जियां उड़ाई। मेरे ख्याल से बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को भारत की सरकार पर तंज कसने के बजाय आम जनता की मदद की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार ये स्टार्स अपने फैन के बदौलत होते हैं और उनके फैन और कोई नहीं बल्कि यही आम जनता है जो आज रो रही है, बिलख रही है। कोई ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है तो कोई भूख से। हर तरफ बेबसी और बेचैनी का माहौल बना हुआ है और इन स्टार्स को या तो ट्वीट करके भारत सरकार पर तंज कसना है या फिर छुट्टियों के लिए विदेश रवाना होना है। अभिनेता तो कई है, परंतु सोनू सूद जैसे अभिनेता की वाकई बहुत कमी है जो ट्विटर पर तंज कसने के बजाय जमीनी हकीकत को समझे और ऐसे माहौल में बेबस और लाचार लोगों की ओर मदद का हाथ बढ़ाए। अगर सोनू सूद की तरह इन स्टार्स ने भी आम जनता के लिए सोचा होता तो पिछले साल इतनी तादाद में मजदूरों को पैदल चलकर घर नहीं जाना पड़ता, इस साल भी शायद स्थिति इतनी डरावनी नहीं होती। गरीब इंसान भूख से बेचैन ना होता, कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन के लिए इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। बॉलीवुड के अभिनेता व अभिनेत्रियों के इस पैंडेमिक के दौरान रवैये पर आपकी क्या राय है कमेंट करके साझा कीजिए। साथ ही में जिला टॉप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। ईश्वर से कामना है हमारे देश में स्थिति जल्द ही ठीक हो, हर तरफ खुशहाली का माहौल फिर से दिखाई पड़े। धन्यवाद।